अगर आपका प्रीपेड मोबाइल नंबर किसी और के नाम से लिया गया है तो सावधान हो जाइए। सरकार जल्द ही प्रीपेड मोबाइल नंबरों का वेरिफिकेशन शुरू करेगी और उपभोक्ताओं के सही पाए जाने पर ही नंबर जारी रखने का आदेश दिया जाएगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस काम को एक साल में पूरा करने की कोशिश की जाए। रिचार्ज के वक्त ग्राहक को एक EKYC फॉर्म भरने को दिया जाएगा। उपभोक्ता की पहचान के लिए आधार नंबर या दूसरे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार फॉर्म मिलने के बाद अगले 2-3 रिचार्ज तक उसे भर देना होगा। इसे ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि EKYC को नए ग्राहकों के लिए भी अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि सिर्फ आधार नंबर में दर्ज बायोमेट्रिक पहचान से ही नए नंबर दिए जाएं। देश में 110 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड होने की वजह से ऐसा करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अभी इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा रहा है। फिलहाल मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड के जरिए भी ग्राहक अपनी पहचान बता सकेंगे। पेटीएम फ्रीचार्ज मोबीक्विक जैसे ऐप से होने वाले रिचार्ज पर भी ये व्यवस्था लागू होगी। हालांकि कोर्ट में इन पर अलग से चर्चा नहीं हुई, लेकिन सरकार ने खुद ही एक साल में सभी प्रीपेड मोबाइल नंबर वेरीफाई करने की बात कही है। ऐसे में उसे प्रक्रिया बनानी होगी जिससे दुकान न जाकर ऐप से रिचार्ज करने वाले लोगों को भी EKYC के बारे में बताया जा सके। टेलीकॉम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 5 करोड़ नंबर बिना पुख्ता वेरिफिकेशन के हैं। फर्जी पहचान से हासिल नंबरों का इस्तेमाल अपराध और आतंकवाद गतिविधियों में होता है। साथ ही मोबाइल को बैंकिंग से जोड़ने के बाद अब लोगों के पैसे ठगे जाने का खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए ये कदम उठाना जरूरी है। देखते रहिए डीबी लाइव।